ये मैं कल जो है आपको रिलेशन के विषय में बताया था, आज मैं बात करूँगा फंक्शन के विषय में। और फंक्शन पे दो शब्द, एक तो इसका डेफिनेशन और दूसरा डोमेन और तीसरा शब्द रेंज। इसके बाद हम आपसे आगे बढ़ेंगे। ये फंक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और डोमेन और रेंज, ये दोनों निकालना गणित की सबसे कठिन ब्रांच है, सबसे कठिन चीज़ है। जब तक पूरी मैथमेटिक्स आप जाने नहीं, जब तक आपका डोमेन और रेंज नहीं निकाला जा सकता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि, और दूसरी बात यह है कि आपके लिए 1 महीने का टाइम है, इसलिए काफ़ी चीज़ें कार्टिल करके हमको आपको पढ़ाना होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, छोटा सा डेफिनेशन मैं दूंगा, वो डेफिनेशन ये है, फंक्शन का डेफिनेशन लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन एफ इज मैप फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन। इज ए फंक्शन इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड। फर्स्ट, पहले ये होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, ए का प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड एसोसिएटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। दिस ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एसोसिएटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, एक डेफिनेशन। और इसमें जो ए होता है इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, जो बी होता है इसको हम लोग को डोमेन कहते हैं, और जो इमेज सेट है, जो इमेज सेट है इसको हम लोग रेंज कहते हैं। सो दैट इज रेंज। और बड़े शॉर्ट में शॉर्ट में कहूँ आपको, जैसे एक आप ले लीजिए 1 2 3 4 5, और बी एक ले लें 2 4 6 8 9 10 11 एंड 12। और सपोज कर लिए कि हम एक से डिफाइन करते हैं, यहाँ से ए से लेकर बी तक डिफाइन करते हैं, ये 1 2 3 4 एंड 5 और 2 4 6 8 9 10
11 एंड 12, 1 गया 2 पे, अगर फंक्शन हम डिफाइन करें y इक्वल टू 2x, 2 गया 4 पे, 3 गया 6 पे, 4 गया 8 पे और 5 गया 10 पे। इस तरह से अगर कहा जाए तो जो डोमेन होगा उसके जो सेट होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, और जो कोडोमेन होगा वो होगा आपका 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 एंड 12, और जो रेंज होगी आपकी ये होगी आपकी 2, 4, 6, 8 एंड 10। इस तरह से डोमेन और रेंज, इसका एक डेफिनेशन और है, इसका एक डेफिनेशन हम लोग और कह सकते हैं यहाँ से कि इसको ग्राफिकल डेफिनेशन कहते हैं। ग्राफिकल डेफिनेशन इसका ग्राफिकल डेफिनेशन एक अनदर डेफिनेशन जिसे कह देते हैं if you draw any line parallel to y-axis, parallel to y-axis, it cuts the graph या कर्व वन पॉइंट, देन इट इज फंक्शन। इफ कर्व्स more than one point, then it is not the function. It is not the function. For example के लिए अगर हम देखें, it is not the function. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे पहला एग्जाम्पल है हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, अगर देखेंगे एक एक सर्किल है और ये सर्किल होगी आपकी दिस, अगर ये लाइन ड्रा करेंगे ये दो जगह कट करेगा सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम वाई स्क्वायर इजकल टू 4x और ये इसका फिगर यूं आएगा, ये भी दो जगह कट करेगा सो इट इज़ नॉट द फंक्शन। लेकिन अगर हम लोग y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लें जो एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से अगर कट करें तो ये एक जगह कट करेगा, इसलिए इट इज़ द फंक्शन, ये आपका इट इज़ द फंक्शन, बट इट इज़ नॉट द फंक्शन एंड इट इज़ नॉट द फंक्शन। तो फिर मैंने आपको ये चीज़ बताई कि ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, अगर ए और बी से एक ऐसा हम रिलेशन डिफाइन करें कि ए का ए में कोई एलिमेंट बचे ना, पहली बात ये हो कि ए में कोई एलिमेंट बचे ना और ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से ही एसोसिएटेड हो, अगर ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से एसोसिएटेड हो रहा है या तीन एलिमेंट से एसोसिएटेड हो रहा है तभी ये फंक्शन नहीं होगा। और यदि ए में कोई सेट अगर कोई एलिमेंट्स बच जाता है जिसका कोई इमेज नहीं है तो भी वो सेट तभी वो फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात हमने बताया ग्राफिकली इसको डिफाइन करें कि अगर किसी फंक्शन का हम ग्राफ खींचे और वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, यदि वो दो जगह कट करता है तो फंक्शन नहीं होगा या तीन जगह कट करता फंक्शन नहीं होगा, और अगर एक जगह कटता है तो फंक्शन होगा। जैसे इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इसको दो जगह कट किया,
ये हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं क्योंकि वाई एक्सिस के लाइन हमने पहले लाइन ड्रॉ किया, वो भी ए जो कट करता है, ये दो जो कट करता है, सो इट इज़ नॉट ऑल्सो फंक्शन, लेकिन यह ए जो कट करता है इसीलिए फंक्शन होगा। हाँ, खास बात ये होनी चाहिए कि जो लाइन आप ड्रा करिए इसके डोमेन में ही होना चाहिए। अरे मुझे ये कहना चाहिए कि इफ ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस इन इट्स डोमेन, एक शब्द ये होना चाहिए, इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, एक शब्द और कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, इन इट्स डोमेन। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई है लाइन यहाँ खींच दे वो कहीं नहीं कट करेगी, कोई यहाँ करे है टच करती हुई चली जाएगी, इसलिए जो लाइन होनी चाहिए इसके डोमेन के अंदर ही होना चाहिए। ये हो डेफिनेशन आपका होगा फंक्शन का। अब इस तरह से हम कहेंगे, चूँकि आपके पास एक महीना का टाइम है इसलिए थोड़ा बहुत डिटेल हम नहीं बता सकते। हमारा जो मेन आज पर्पज है वो निकालने का है इसका डोमेन, कि कैसे हम लोग डोमेन इसका निकालते हैं, कैसे हम लोग इसका डोमेन निकालते हैं। इसका डोमेन निकालते कैसे हैं, जैसे तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि f इज मैप फ्रॉम a टू b इज द फंक्शन, f इज मैप फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन, देन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a में कोई एलिमेंट बदलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x, जहाँ आपका x होता है इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो y होता है इसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। दिस इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इफ इज मैप फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। अब जैसे मान लीजिए अगर हमको डोमेन निकालना होगा तो डोमेन को का साथ निकालने के लिए हमारे पास एक ही नियम होना चाहिए, दोज एलिमेंट ऑफ ए, डोमेन इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, डोमेन इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन। देखें अगर आपको डोमेन निकालना होगा, डोमेन निकालना गणित की सबसे कठिन ब्रांच है, लेकिन बहुत सीधा सा मामला एक डेफिनेशन है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि डोमेन इज द दोस एलिमेंट, डोमेन इज अ सेट ऑफ दोस एलिमेंट ऑफ ए, एक्स का वह एलिमेंट, ए का वह एलिमेंट जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। अगर इसी बात को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा डोमेन चाहे जिसका भी डोमेन हो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मैं कह दूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर लें, जैसे मैं ये कह रहा था कि अगर कोई कह दे कि फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, जैसे हम ये कह रहे थे y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का डोमेन निकालना है, तो अगर एक्स की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी इसके लिए वाई हमारा डिफाइंड नहीं होगा। सो आप लिखेंगे वाई इज डिफाइंड, वाई इज डिफाइंड फॉर एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, वाई इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, इसलिए जो इसका डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, y इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर दैन जीरो, इसलिए इसका जो डोमेन होगा कहाँ हो जाएगा, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी। दूसरा देख ले, जैसे आपको दूसरा सवाल, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस वन हो, तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, जो
कि अंडर रूट के अंदर है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो होना चाहिए। सो ग्रेटर इज ग्रेटर देन जीरो, सो इज ग्रेटर देन जीरो, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो होगा वन से लेकर प्लस इनफिनिटी। दूसरा सवाल, जैसे मान लीजिए अगर वाई हमारा है वन अपान एक्स, ये एक्स के हर मान के लिए डिफाइंड है, बट एक्स का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यदि एक्स का मान जीरो होगा तो इसका मान जो होगा वो आपका इनफिनिटी हो जाएगा, इसलिए इसका डोमेन जो होगा इट इज़ डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट जीरो। इस पर जो होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू आर बट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसलिए इसका जो होगा ऑल द रियल नंबर माइनस जीरो, ऑल द रियल नंबर माइनस जीरो। इसी तरह से अगर हम आपको दे दें ये वाई इज इक्वल टू वन अपान एक्स माइनस वन, तो इसका हो जाएगा आपका डोमेन, इसका जो डोमेन होगा ऑल द रियल नंबर माइनस वन, ऑल द रियल नंबर माइनस वन। दूसरा देखें, इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर y इज इक्वल टू वन अपान एक्स है तो इसको आप लिखेंगे r माइनस जीरो, इसका जो डोमेन होगा ये होगा आपका r माइनस जीरो। अगर हम y इज इक्वल टू वन अपान एक्स माइनस वन करेंगे तो इसका जो डोमेन होगा r माइनस वन। अगर इसी तरह से अगर हम लिख दें x माइनस टू तो इसका जो डोमेन होगा r माइनस टू, क्योंकि टू पे डिफाइन नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल हम ले लें आपको, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू log x है टू द बेस e। आप जानते हैं कि जो लॉगरिथम होता है वो नेगेटिव के लिए क्वालिफाई नहीं डिफाइन नहीं होता है। आप जानते हैं कि y इज डिफाइंड, y इज डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन जीरो, इसलिए इसका जो डोमेन निकालेंगे आप ये निकालेंगे r, इसका डोमेन निकालेंगे तो लिखेंगे, सॉरी जो डोमेन निकालेंगे इसको लिखेंगे आप दिस इज जीरो से लेके प्लस इनफिनिटी। इसी तरह से अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू log ऑफ e टू द बेस x माइनस वन, इसका अगर डोमेन निकालेंगे यह x माइनस वन दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, x का वैल्यू वन होगा, इसलिए इसका जो डोमेन निकालेंगे तो ये बराबर क्या होगा वन से लेके प्लस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल वन से लेके प्लस इन्फिनिटी। इससे छोटे छोटे अगर सपोज कर लीजिए हमने दूसरा सवाल लिया यहाँ से y इज इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसका डोमेन निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो होगा आपका वाई इज डिफाइंड, बस इसी पर ध्यान देंगे वाई इज डिफाइंड फॉर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, या आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल देन नाइन, या आप कह सकते हैं यहाँ से x belongs to माइनस थ्री से लेके प्लस थ्री। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि x square is less than a square होगा, so this implies x is less than a and greater than माइनस a, या इसको कह सकते हैं x belongs to माइनस a से लेके प्लस a, दिस माइनस a से लेके प्लस a। सिमिलरली दिस, और दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता दें, इस तरह से जब भी आपको डोमेन निकालना हो तो आपको देखना होगा कि x के किस मान के लिए y डिफाइंड है, वही आपका डोमेन होगा। इसमें कुछ बातें और हैं, थोड़ी सी छोटी छोटी बातें, जैसे मान लीजिए इस तरह का हो y इक्वल टू अगर f1x
अपान एफ एक्स अपान जी एक्स, दो फंक्शन का हो तो हम करते क्या है कि पहले हम लोग इसका डोमेन निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसका डोमेन निकाल लेते हैं, और इसको मालिक हमारा डोमेन डी है, अर्थात डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इजकल टू डोमेन एंड डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इजकल टू डी टू एंड डोमेन ऑफ वाई इजकल टू डी। तो जो डी का मान होता है वो होता क्या है, आप डी वन इंटरसेक्शन डी टू माइनस एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको निकालना हो एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमें निकालना हो, सपोज कर लीजिए y इजकल टू एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू, पहला बार बता दें हम एंड फाइंड द डोमेन। ये डोमेन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल इज अ रियल नंबर, इसलिए एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस वन इसका जो डोमेन होगा वो ऑल द रियल नंबर, जी ऑफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस टू इसका जो डोमेन होगा ऑल द रियल नंबर, डी टू डी का जो मान निकालेंगे वो डी वन इंटरसेक्शन डी टू और माइनस एक्स सच दैट एक्स माइनस टू इजकल टू जीरो। तो आप यहाँ लिखेंगे आर इंटरसेक्शन आर माइनस टू, अर्थात ये होगा आर द रियल नंबर माइनस टू। ऑल द रियल नंबर माइनस टू, इसी तरह से यदि सपोज कर लीजिए दूसरा रो कि अगर जो फंक्शन हमारा दिया हो, कोई फंक्शन जिसका डोमेन हम निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स वो कई फंक्शनों का कई फंक्शन हमारे पास हैं जोड़ घटाना है, अगर ऐसा आपको निकालना हो तो करते क्या है, सबसे पहले इसका डोमेन निकालें, मान लीजिए डी वन हो, इसका डोमेन मान लीजिए डी टू हो, और इसका डोमेन मान लीजिए डी थ्री हो, और इसका डोमेन जो आपको निकालना है लेट कर लीजिए, लेट द डोमेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी, लेट द डोमेन ऑफ एफ वन ऑफ एक्स इक्वल टू डी वन, एफ टू ऑफ एक्स इक्वल टू डी टू एंड लेट। तो इस तरह का डोमेन जब आपको कभी निकालना होगा तो जो डी का मान होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, डी वन इंटरसेक्शन डी टू इंटरसेक्शन डी थ्री एंड सो ऑन, अगर आगे भी ऐसा है तो सो ऑन होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं देता हूँ वाई इजकल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट टू माइनस एक्स,
सब कुछ करिए। तो इसका जो मान होना चाहिए, x का माइनस वन का मान ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसलिए x का मान ग्रेटर देन वन। इसको देखेंगे टू माइनस एक्स इस ग्रेटर देन जीरो, इसलिए x का जो मान होगा लेस देन टू होगा। आप देखेंगे अगर इसका डोमेन यदि डी वन है और इसका डोमेन यदि डी टू है, तो जो डी वन का मान होगा आपका यहाँ से, जो डी वन का मान होगा वो होगा आपका वन से लेके प्लस इन्फिनिटी, और डी टू का जो मान होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके टू, माइनस इन्फिनिटी से लेके क्लोज इंटरवल टू। अगर आपको जो डी का मान निकालना होगा तो डी का मान जो होगा आपका डी वन इंटरसेक्शन डी टू, और ये आपको दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अगर आपको नहीं आता एक लाइन ड्रा करिए माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ए आपका जीरो है, ए आपका वन है, ए आपका टू है और ए आपका थ्री है। एक कह रहा है कि हम वन से लेके प्लस इन्फिनिटी पे सो दिस, दूसरा कह रहा है कि टू से लेके नीचे तक है दिस, और इस तरह से ये जो पोजीशन होगी आपकी ये इंटरसेक्शन का होगा, और जो डी का मान होगा आपका वो क्या हो जाएगा वन से लेके टू, दिस इज वन से लेके टू। इसका जो डोमेन होगा आपका वन से लेके टू होगा। एक्स माइनस वन अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी ये तभी डिफाइन होती है जबकि उसका मान जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल देन वन होना चाहिए। तो एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन वन, इसलिए डी वन का जो मान होगा आपका ये वन से लेके प्लस इन्फिनिटी होगा, और जो डी टू का मान होगा आपका वो ये होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके टू, दस इन्फिनिटी से लेके टू, और इसका आपको लेना इंटरसेक्शन। तो इस तरह से एक चीज़ और है, एक नोट और है खास बात इसमें, अगर y इजकल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, अगर y इजकल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स हो और यहाँ मान लीजिए m हो, तो किस फर्स्ट इफ m इज ऑड विषम संख्या, देन जो इसका डोमेन होगा वो ऑल द रियल नंबर होगा। सेकेंड इफ एम इज इवन देन वाई इज डिफाइन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास हमें डोमेन निकालना है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास ये एग्जाम्पल है, जैसे y इजकल टू अंडर रूट x, y इजकल टू अंडर रूट x, y इजकल टू अंडर रूट 4x, y इजकल टू अंडर रूट 5x। सपोज कर लीजिए हमारे पास ये है, दस तो यहाँ जो मान होना चाहिए ये एक्स तभी डिफाइन होगा जब ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, इसलिए इसका जो डोमेन निकालेंगे आप
इसका जो डोमेन निकालेंगे वो हो जाएगा आपका क्रॉस इंटरवल 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी 1:10। लेकिन सपोज के लिए अगर आप इसका निकालना चाहते हैं, इसका निकालना चाहते हैं डोमेन, तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा आल द रियल नंबर। दिस डोमेन आल द रियल नंबर, क्यों? क्योंकि इसका जो ये जो दिया हुआ क्यू रूट है, अगर आर रूट में होगा आल द रियल नंबर, देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट। और इसके बाद जैसे सपोज कर लिए आप इसको निकालना चाहते हैं, इसका मान होगा आपका गैस एक्टर 0 और इसका मान होगा आपका दिस इज 0 एंड प्लस इफिटिव। लेकिन अगर इसको निकालना चाहते हैं तो इसका डोमेन होगा आल द रियल नंबर, अर्थात अंडर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है। अगर हम लोग अंडर इवन रूट लेते हैं तो ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, अगर आर रूट लेते हैं तो आपको जो है कोई हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप जो है इसका जो डोमेन होगा आपका क्या हो जाएगा, आल द रियल रूट होगा। यानी कहने का मतलब है अगर सपोज कर लीजिए ये 7 है एन एक्स की प्लस 1 ही है, तभी इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, आल द रियल नंबर। कोई भी पॉलिनोमियल है, सारे पॉलिनोमियल के जो डोमेन होते हैं आल द रियल नंबर होते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर है द फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0, लेकिन अगर आर रूट के अंदर है तो उसका जो डोमेन होगा आल द रियल नंबर होता है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल में छोटी छोटी चीज़ों को हम ले करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। लेकिन अच्छे सवाल यदि आपको लगाने होंगे तो कुछ स्टैंडर्ड जो होगा आपको उसको याद रखना पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ लिख लें ये फंक्शन और इधर ले लें इसका डोमेन, जैसे यहाँ पॉलिनोमियल हो तो इसका जो डोमेन होगा आल द रियल नंबर होगा। अगर सपोज कर लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका जो डोमेन होगा आल द रियल नंबर होगा। अगर सपोज कर लीजिए ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका जो डोमेन होगा आल द रियल नंबर होगा। एंड सपोज कर लीजिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसका भी जो डोमेन होगा आल द रियल नंबर होगा, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर आपका तो इसका भी जो डोमेन होगा आल द रियल नंबर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसी तरह से आपका अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लें जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स एन कॉसेक एक्स, कॉटेक्स, इसका जो डोमेन होगा इसका होगा आल द रियल नंबर, इसका हो भी होगा आपका आल द रियल नंबर, ये होगा आर माइनस टू एन प्लस वन इंटू
पाई बाई टू वेर एन बिलोंग्स टू छे। कुछ स्टैंडर्ड डोमेन होंगे जो आपको याद करने होंगे, तभी हम नए सवाल लगा सकते हैं। और इसका जो डोमेन होता है वो ऑल द रियल नंबर एंड दिस एन पाई वेर एन बिलोंग्स टू जेड, ये होगा आपका आर माइनस, ये होगा आपका आर माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू वेर एन बिलोंग्स टू जेड। दिस अगर ट्रेन बन रहे फंक्शन का होगा। इसी तरह से अगर सपोज के लिए इसके इनवर्स फंक्शन का अगर हमको लेना हो, टैन इनवर्स दिस, अगर इसके इनवर्स फंक्शन का लेना होगा तो इसका डोमेन हो जाएगा आपका साइन इनवर्स का माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में, ए भी यही होगा। इसका जो डोमेन होगा आल द रियल नंबर होगा, इसका भी डोमेन होगा आल द रियल नंबर होगा, और इसका जो डोमेन होगा आर माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में, या आर माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में। आप इसको चाहें तो और लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन वन से लेके प्लस इन्फिनिटी। दस इसका डोमेन होता है साइन इनवर्स एक्स का। एक चीज़ और जो छूट गया हमसे, वो अगर लॉग एक्स हो तो इसका भी जो डोमेन होता है वो होता है आपका जीरो से लेके प्लस इनफिनिटी। खास खास जो चीज़ें हैं हमने आपको बताया, दिस जिसको याद करना हमें ज़रूरी होगी। अगर हम चाहते हैं सवाल को लगाना, अब फाइंड द डोमेन, जैसे हम पकड़ते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे फर्स्ट अगर y इक्वल टू log x माइनस वन किया तो इसमें y डिफाइन होगा x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, x ग्रेटर देन वन होना चाहिए, इसलिए इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, वन से लेके प्लस इन्फिनिटी, वन से लेके प्लस इन्फिनिटी। दूसरा सपोज कर लीजिए छोटे छोटे सवाल, जैसे y इक्वल टू log x माइनस मॉड x लेना हो, दिस आपको करना हो तो जैसा जानते हैं x माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन मॉड x, या आप लिख सकते हैं मोड x इज लेस देन x। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट अगर x हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा तो मोड x की वैल्यू मोड x होगी, और इस तरह से x इज लेस देन जो पॉसिबल नहीं है, हर संख्या आप से छोटी इज नॉट पॉसिबल। अगर सेकंड देखेंगे अगर x का मान या तो जीरो हो सकता है तो जीरो इज लेस देन जीरो, इट्स नॉट पॉसिबल। थर्ड अगर हम लें इफ x इज लेस देन जीरो तो क्या करेंगे, मोड x का मान होगा माइनस एक्स,
और इस तरह से हम लोग फ्रॉम वन से लिख सकते हैं माइनस एक्स इज लेस देन एक्स, माइनस एक्स। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो एक्स का मान होगा अगर अगर ट्रांसपोज कर दे एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो मैंने क्या लिया एक्स लेस देन जीरो ये भी पॉसिबल नहीं, एक्स इक्वल टू जीरो ये भी पॉसिबल नहीं, एक्स लेस देन जीरो और आपका हम ये कंसीडर कर रहे हैं एक्स लेस देन जीरो के लिए और ये मान आ जा रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसलिए इट इज आल्सो द इम्पॉसिबल, ये भी आपका इम्पॉसिबल, ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइव। अब वो बात अलग है कि इसको अगर मान लीजिए हमें प्रूफ करना हो मोड एक्स अनदर वे, अगर दूसरे तरफ प्रूफ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका इसका है कि आप क्या करें एक मान रख दें, जैसे मान लीजिए हमने मान रखा है एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो इसका जो मॉडुलस एक्स होगा ये वन होगा, देन वन इज लेस देन क्या माइनस वन होता है क्या, नहीं, इसलिए इसको आप गलत कर देंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए एक्स का मान हमने वन ले लिया तो इसका जो मॉड एक्स होगा इसकी वैल्यू वन होगी, तो वन इज लेस देन वन होता है क्या, नहीं होता है। सो आप लिखेंगे अगर एक्स इक्वल टू जीरो ले लिया तो जीरो इज लेस देन जीरो ये भी नहीं होता, अर्थात हमने ये देखा कि एक्स का मान हम जीरो से बड़ा लें तो भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, जीरो से छोटा लें तो भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, जीरो के बराबर लें तो भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, अर्थात दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर आइदर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो आर एक्स लेस देन जीरो आर एक्स इक्वल टू जीरो, न जीरो से बड़े के लिए संतुष्ट है, न जीरो से छोटे के लिए संतुष्ट है और न जीरो के बराबर संतुष्ट है, अर्थात न तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है न नेगेटिव रियल नंबर के लिए और न जीरो के लिए, तो आप क्या कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, फाइव। लेकिन इसी तरह से लेकिन यदि हम जैसे सपोज कर लें अगर हम लोगों ने y का मान log ऑफ मोड x माइनस a ले लिया सपोज कर लें, तो इसका जो है लगाने का तरीका दूसरा है, सवाल का आंसर निकालने के तरीके दूसरे हैं। इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि लॉग उन्हीं क्वांटिटी के लिए डिफाइन होता है जिसका मान ग्रेटर देन जीरो होता है, इसलिए मॉड एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी आप कहेंगे मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स या एक्स इज लेस देन मॉड एक्स। केस फर्स्ट, अगर हमने लिया एक्स का मान प्लस वन तो क्या होगा, वन इज लेस देन वन इज नॉट पॉसिबल, कोई संख्या खुद अपने से छोटी हो यह कभी संभव नहीं है। सेकेंड, अगर हमने लिया एक्स का मान जीरो तो जीरो इज लेस देन इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, अगर हमने लिया एक्स का मान माइनस वन तो आप देखेंगे कि माइनस वन इज लेस देन वन हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि मोड एक्स का मान होगा आपका वन, मोड ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इसके लिए यह संतुष्ट हो रहा है, माइनस वन तो वन से छोटा होता है, जैसा कि क्वेश्चन का अंदाज लगाने का आइडिया, पॉजिटिव के लिए इज नॉट सेटिस्फाइड, जीरो के लिए इज नॉट सेटिस्फाइड, बट नेगेटिव रियल नंबर के लिए संतुष्ट हो रहा है, इसलिए हम कह देंगे इसका जो डोमेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये ऑल द इन माइनस फिफ्टी माइनस माइनस फिफ्टी और जीरो, अर्थात जीरो छोड़ करके ऑल द नेगेटिव रियल नंबर, या आप लिख सकते हैं आर माइनस वन, या आप लिख सकते हैं ऑल द नेगेटिव रियल नंबर, अब इस तरह से हम कह रहे थे लॉगरिथम पे ही अगर हम लोग कोई सवाल निकालना चाहें, जैसे
जैसे एक अच्छा सवाल जो कभी टीजीटी में पूछा गया सवाल है वो क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग प्लस टू। मान लीजिए इसका डोमेन हमने डी वन माना, इसका डोमेन हमने डी टू माना, इसका डोमेन हमने डी माना। तो आप देखेंगे लॉग एक्स प्लस थ्री टू द बेस ए इज डिफाइंड फॉर एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, अर्थात जो एक्स का मान होगा वो माइनस एक्स देगा, एक्स का जो मान होगा आपका माइनस वन हो जाएगा। इस तरह से जो d1 का मान होगा वो होगा आपका माइनस थ्री से लेके प्लस फिफ्टीन, जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका एक्स स्क्वायर टू इसकल, चूंकि ये पॉलिनोमियल है, दूसरी जो पॉलिनोमियल इसलिए इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, ऑल द रियल नंबर, इसका जो डोमेन होगा ऑल द रियल नंबर, इसका जो डोमेन होगा आपका ऑल द रियल नंबर होगा। और दूसरी बात इसमें खास बात यह है कि ये जो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, अगर हम लोग जीरो कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, अगर जीरो होगा तो एक्स का जो मान होगा वो माइनस वन और माइनस टू होगा। अगर आप जीरो करेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू। और इस तरह से यहाँ से d1 इंटरसेक्शन d2 लेंगे तो ये ऑल द रियल नंबर है, ये इसका डोमेन ऑल द रियल नंबर है, तो हम d1 और d2 का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होगा, ये होगा आपका माइनस थ्री से लेके प्लस इन्फिनिटी, माइनस थ्री से लेके प्लस इन्फिनिटी, और फिर अब हम फाइनल डोमेन निकालना चाहेंगे तो इस डोमेन का मान क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 और माइनस x का वह मान जहां एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का मान क्या हो, जीरो, जहां इसका मान जीरो होना चाहिए। और इस तरह से जब इसको करेंगे हम लोग जैसा कि हमने देखा d1 इंटरसेक्शन d2 इसका जो मान होगा वो होगा माइनस थ्री से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और फाइनली जब d का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस थ्री प्लस इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ माइनस वन और माइनस टू नहीं रहेगा, यहाँ माइनस वन और माइनस टू नहीं रहेगा। सो दिस इज द रिजल्ट, सो दिस इज द रिजल्ट।
अगर सपोज कर लीजिए अगर आपका सवाल इस तरह हो जाए y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका डोमेन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान होना चाहिए माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में, अर्थात अभी ये कह सकते हैं कि जो हमारा x है इज डिफाइन फ्रॉम माइनस वन से लेके प्लस वन तक। अब सपोज कर लीजिए कि हमको डोमेन निकालना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x का। अगर मान लीजिए कि हमको डोमेन निकालना है साइन इनवर्स इज इक्वल टू 2x का, तो इसका मतलब x इज डिफाइन फ्रॉम माइनस वन से लेके n, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 2x है इज डिफाइन फ्रॉम 1 से लेके माइनस वन के बीच में, r माइनस 1 अपॉन 2 इज लेस देन x इज लेस देन 1 अपॉन 2, यानी इसका जो मान होगा दिस। इसी तरह से अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x हो, तो जो 3x का मान है और इसका डोमेन का जो मान होगा दिस। अगर मान लीजिए y का मान साइन इनवर्स 2x माइनस 5 हो, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 2x माइनस 5 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन माइनस 1। और यहां से हमने क्या किया कि x का मान निकालने के लिए हमने 5 चारों तरफ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ा यहाँ जोड़ा 2x हो गया और ये हमारा प्लस 1 हो गया, ये बराबर हो जाएगा हमारा 4 लेस देन 2x इज लेस देन 6, फिर 2 से भाग देंगे 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, और इस तरह से ये जो डोमेन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 2 से लेके 3, इसमें होगा अब 2 से लेके 3। अगर सपोज कर लीजिए y इक्वल टू टेन इनवर्स 9 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट हो, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी है इसलिए इसका जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 9 माइनस x स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, इसलिए आप लिखेंगे x स्क्वायर इज लेस देन 9 या x स्क्वायर इज लेस देन 3 का होल स्क्वायर, सो दिस एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस 3 से लेके प्लस 3 क्लोज इंटरवल दिस। सेकेंड जैसे मान लीजिए
इसी तरह से मान लीजिए अगर इस रखो जैसा ये सवाल आया हुआ सवाल है, y इज इक्वल टू अंडर रूट टेन इनवर्स पाई स्क्वायर अपन नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का ऑल द रियल नंबर होता है, ये भी रियल नंबर होना चाहिए, तो ये होगा आपका पाई स्क्वायर अपन नाइन माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, या एक्स स्क्वायर का मान पाई स्क्वायर अपन नाइन या एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई अपन थ्री का होल स्क्वायर। सो दिस एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई थ्री एंड पाई बाई थ्री। आप ये कह सकते हैं कि ये इसका डोमेन होगा माइनस पाई बाई थ्री से। इसी तरह से कुल और एग्जाम्पल छोटे छोटे, जैसे y इक्वल टू वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू हो, ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है और ये नीचे पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट फंक्शन का भी आपका होता ऑल द रियल नंबर, d2 का होगा आपका ऑल द रियल नंबर, इसलिए d1 इंटरसेक्शन d2 का मान होगा ऑल द रियल नंबर, परंतु यहाँ जो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इजकल टू जीरो कर देंगे तो x का मान होगा आपका x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इजकल टू जीरो, अर्थात x इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस टू। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा यहाँ से आपका ऑल द रियल नंबर, जो फाइनल डोमेन होगा आपका ऑल द रियल नंबर माइनस माइनस वन एंड माइनस टू, दिस ऑल द रियल नंबर माइनस वन एंड माइनस टू। और भी कुछ छोटे एग्जांपल हैं, सपोज कर लीजिए इस तरह से आ जाए वाई इजकल टू अंडर रूट मॉड एक्स, जबकि जानते हैं कि मॉड एक्स का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल दैन जीरो, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल दैन जीरो होना चाहिए, ये ऑलरेडी आपका होता ही है, इसलिए अगर इसका डोमेन आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ऑल द रियल नंबर। बट अगर सपोज कर लीजिए अंडर रूट मॉड एक्स माइनस टू हो तो क्या होना चाहिए, मॉड एक्स माइनस टू इकट्ठे देखकर तो जीरो होना चाहिए, मॉड एक्स टू होना चाहिए और मॉड एक्स इकट्ठे दैन टू होगा तो इसका जो मान होता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इफेक्टिव से टू यूनियन टू से लेके प्लस फिफ्टीन। अगर सपोज कर लीजिए वाई इज कर लू अंडर रूट टू माइनस मोड एक्स से तो टू माइनस मोड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मोड एक्स लेस देन टू इसलिए एक्स बिलोंग्स टू होगा माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन टू से लेके प्लस इन्फिनिटी।